तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सीएस रैंक को कैसे पुशअप करना है, और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको जो है सीएस रैंक हर गेम को कैसे भूया करना है। जी हाँ गाइस, मैं ना आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको जो है सीएस रैंक को हर गेम को भूया कैसे करना है। साथ में मैं बताऊंगा कि आप लोग जो कैसे अपने स्कोर को बहुत ज्यादा बढ़ा पाओगे। जैसे कि अगर आप लोग अभी देखोगे तो मैं यहाँ पे ग्रैंड मास्टर पे हूँ, जो कि आप लोग यहाँ पे देख लो। तो चलो मैं यहाँ पे भी आके दिखा देता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे ग्रैंड मास्टर पे हूँ। एंड गाइस, मैं जितना भी गेम लगभग सारी गेम भूया ही करता हूं, ठीक है गाइस। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप जो कैसे अपने रैंक को पुशअप करोगे। अगर आप लोग अपने रैंक को पुशअप करना चाहते हो तो सिंपली क्या करना है, मैं वाले वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। उसके बाद मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको जो क्या क्या करना चाहिए जिससे आपका हर गेम भूया ही होने वाला है। तो जैसे अगर आप लोग यहाँ पे आके देखोगे हिस्टोरी में, तो गाइस मेरा हर गेम यहाँ पे विक्टोरी है। जैसे देखोगे तो यहाँ पे हर गेम मेरा भूया ही हुआ है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख लो। तो गाइस अगर आप लोग भी हर गेम भूया करना चाहते हो तो वीडियो को देखते रहना। तो मैं लोग इसी के साथ चलो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो मेरे वीडियो को फटाफट लाइक कर देना है, और मेरे लोग चैनल पे नए आए हो तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड के साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। तो भाई लोग सबसे पहले ये गेम प्ले देखो गाइस। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो मैं लगातार 3 बार हार गया था, उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे कमबैक किया डबल स्नाइपर लेके। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, मैं सारी की सारी यहाँ पे क्या होता है लगातार गेम को जीतते जाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ गेम को इजीली जीत पाता हूँ। तो गाइस जैसे कि देखो यहाँ पे मैं एक एडोलियम से एक बंदे को मारा, 300 का डैमेज दिया और बंदे नॉक हो गया था। उसके बाद यहाँ पे और भी बंदा था जिसको मैं स्नाइपर से मारकर नॉक कर देता हूँ। तो गाइस मेरा कहने का मतलब ये कि अगर आप लोग सीएस रैंक मैच खेलते हो, अगर उसमें अगर कोई स्नाइपर प्लेयर नहीं है तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आप लोग सीएस रैंक को जीतना चाहते हो तो सबसे पहले आप लोगों को एक स्नाइपर प्लेयर को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अभी के टाइम पे स्नाइपर प्लेयर का बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो गाइस यहाँ पे क्या होता है, अगर स्नाइपर प्लेयर अगर आप लोगों का स्क्वाड में है तो सामने वाला बंदा रश नहीं करता है, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा एक स्नाइपर का गोली सामने वाले बंदे को पड़ता है तो वो डर जाता है, सबसे पहले जाकर 2 मेडकिट को यूज करता है। क्योंकि यहाँ पे AW होता है गाइस 150 के ऊपर डैमेज देता है, इसी कारण क्या होता है सामने वाला रश भी नहीं करता है और ज्यादातर मतलब स्नाइपर प्लेयर से दूर ही रहता है। तो अगर आप लोगों के स्क्वाड में कोई भी स्नाइपर प्लेयर नहीं तो सबसे पहले जाके एक स्नाइपर प्लेयर को ढूंढो, क्योंकि स्नाइपर प्लेयर अभी के समय में बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं यहाँ पे गेम खेलता हूँ तो मैं ज्यादातर यहाँ पे स्नाइपर को ही यूज करता हूँ। तो गाइस अगर आप लोगों के स्क्वाड में कोई भी एक स्नाइपर प्लेयर नहीं है तो आप लोग एक फ्रेंड को स्नाइपर वाले प्लेयर को क्या करना है, ऐड कर लेना है। अगर आप लोग सीएस रैंक खेलते हो और सामने वाला कोई भी एक स्नाइपर प्लेयर है तो आप लोग उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट मतलब भेज के उसको अपने फ्रेंड बना सकते हो और उसको अपने मतलब उसके साथ आप लोग खेल सकते हो। तो गाइस जैसे कि देखो यहाँ पे एक बंदे बहुत ज्यादा उछल रहा था, तो गाइस मैंने यहाँ पे एक एडोलियम का फटका उसको दे देता हूँ। गाइस जैसे कि देखो यहाँ पे कुछ ज्यादा उछल रहा था और कोबर में जा रहा था और बाहर भी आ रहा था, तो यहाँ पे 150 का डैमेज दिया। गाइस वो बंदे क्या करता है, यहाँ पे गुलवा लगा के पहले मेडकिट लगाता है और उसके आगे जाने के बाद वो लेट जाता है, क्योंकि उसको 150 पड़ा था ना, इसीलिए बंदे मतलब वो डर गया और उसके बाद सबसे पहले क्या करेगा, 2 मेडकिट को लगाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों का प्लेयर में कोई भी एक स्नाइपर प्लेयर रहेगा तो वो पीछे से कवर देगा और आप लोग इजीली जाकर कोई भी बंदा को मार पाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर देख लो गाइस 150 डैमेज अगर दे रहा है साथ पीछे से, तो गाइस 50 उसके पास हेल्थ रहेगा और आप लोग कोई भी गन से उसको जाके इजीली मार पाओगे। तो भाई लोग सबसे पहले आप लोगों को स्क्वाड में एक स्नाइपर प्लेयर को ऐड कर लो। और गाइस अगर आप लोग कोई भी मतलब दूसरे स्क्वाड के साथ खेल रहे हो, अगर आप लोग हर मैच को क्या कर रहे हो, हार रहे हो, तो गाइस क्या करना है, आपको जो स्क्वाड को चेंज कर देना है, आप लोग दूसरे के स्क्वाड में जाकर खेल लेना। जैसे कि मैं बता दूं गाइस, अगर आप लोग कोई भी मतलब एक बंदे के साथ खेल रहे हो और हमेशा गेम को हारे जा रहे हो तो आपको जो उसके साथ नहीं खेलना है, आप लोग अपने टीम को चेंज कर लेना, ठीक है। नहीं तो गाइस अगर आप लोग हर मैच को हारते रहोगे, जीतते रहोगे, हारते रहोगे, तो इसे कोई मतलब नहीं गेम खेलने का, क्या होगा यहाँ पे सिर्फ टाइम का बर्बादी होगा। इसीलिए मैं बोला गाइस कोई अच्छा प्लेयर होगा उसके साथ जाके आप लोग खेल लेना, क्योंकि देखो गाइस अगर आप लोग मतलब गेम को जीतते हो हारते हो तो गाइस इससे कुछ नहीं होता, मतलब आप लोगों का प्लस भी नहीं होगा नहीं माइनस होगा, आप लोगों का जो भी होगा वो टाइम का बर्बाद ही होगा। तो इसीलिए बोलो गाइस आप लोगों को क्या करना है, आपको जो अपने स्क्वाड को चेंज करके दूसरे स्क्वाड में जाके खेलना है। अगर वो बंदे अच्छे खेल रहा है तो उसको परमानेंट स्क्वाड बना लेना, ठीक है। क्योंकि देखो गाइस अगर आप लोग गेम को जीतते हो हारते हो तो इससे टाइम का बर्बाद ही होता है, नहीं आप लोगों का रैंक प्लस होता है नहीं माइनस होता है, आप लोग एक ही जगह पर रहते हो काफी समय तक रहते हो, तो इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं बोला गाइस आपको सिंपली क्या करना है, आप लोगों को स्क्वाड को चेंज करके दूसरे के स्क्वाड में जाके खेलना है, जिससे क्या होगा आप लोगों का रैंक प्लस होगा, वो सामने वाला बंदा मतलब भूया करेगा तो आप लोगों का भी रैंक यहाँ पे प्लस होने वाला है। तो आप लोग ना दूसरे के टीममेट में जाके क्या करना है, खेलना है, आप लोग किसी तरह दूसरे के स्क्वाड में जाके ज्वाइन हो जाना और गाइस आप लोग जाकर वहां पे खेलना। और गाइस मैं अभी बहुत सारे वीडियो डालने वाला हूँ और ग्लिच व्लिच के बारे में डालने वाला हूँ कि सीएस रैंक में आप लोगों को कैसे ग्लिच करना है, हिडन प्लेस में डालने वाला हूँ और भी बहुत कुछ डालने वाला हूँ, जो कि आप लोगों को बहुत जल्द वैसा वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा।
तो गाइस जी होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करना है। एंड में लोग आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।